वैसे तो माँ बहुत अच्छी है मगर वैसे तो माँ बहुत अच्छी है पर ऐसा क्यों लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा दीदी को चाहती है। नहीं, यह मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे यह सोचने के पीछे कुछ ठोस आधार है। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, मुझे साइकिल लेकर देने का वादा किया मगर आखिरी वक्त पर माँ ने क्या किया, बस कह दिया इस साल दीदी की कोचिंग की फीस इकट्ठा देनी पड़ेगी और मेरी जरूरत अगले साल तक के लिए टाल दी गई। यही नहीं, छोटी छोटी बातें भी थी जो चुपती थी। खाने के समय भी पक्षपात होता। पहला पराठा हमेशा दीदी की प्लेट में जाता और जहाँ छोटे होने की वजह से प्राथमिकता मुझे मिलनी चाहिए वहाँ भी बड़ी दीदी बाजी मान ले जाती। वैसे तो दीदी का नाम दीप्ति था और मेरा ज्योति, मगर हमेशा यही लगता कि माँ की आंखों की ज्योति तो वही है, मैं नहीं। चलो माना यह मेरा ईर्ष्या भाव था, पर वो क्या था, जब माँ को मैंने पापा से कहते सुना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य दीप्ति को अपने पैरों पर खड़ा करना है और मजबूत बनाना है, पापा ने कहा था, और ज्योति भी तो है, माँ ने कहा था, वह भी होगा समय आने पर, मगर पहले दीप्ति, माँ बाप को अपनी पहली संतान से ज़्यादा लगाव होता है। पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मेरा दर्जा हमेशा हर चीज़ में दोयम ही रहेगा। मैं भी जानबूझकर माँ की अवहेलना करने लगी, दीदी से चिढ़कर बोलने लगी। किशोर मन था विद्रोह पर उतर आया। उस दिन पापा की बहन मेरी बड़ी बुआ आई तो मैं खुश थी, ये पापा की चचेरी बहन है, पापा की सगी बहन तो बहुत पहले ही गुजर गई थी, उनकी फ़ोटो दादी और दादा के साथ दीवार पर टंगी है। भले ही ये चचेरी हो मगर मुझे बुआ से वही प्यार मिलता जिसकी अपेक्षा मुझे माँ से थी। कितनी फिक्रमंद थी बुआ मेरे लिए, मेरी प्लेट में से निवाला तोड़कर मुझे अपने हाथ से खिलाने लगती, कहती देख ठीक से खा, मुंह निकल आया है। मेरी दाल की कटोरी में घी डाल देती, कहती खाया कर दिमाग तेज होगा, मेरी ज्योति तो लाखों में एक है। मैं कभी कभी सोचती मैं बुआ के घर पैदा क्यों नहीं हुई, या कभी सोचती मैं अकेली संतान भी तो हो सकती थी। हालांकि मुझे बहुत सब मिलता था जो दादी को मिलता, पर माँ का उनके प्रति अधिक सुझाव मुझे दिखाई देता था और उसे मैं ठुठला नहीं सकती थी। उस दिन इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट हो गया। बुआ और माँ के बीच होने वाली वार्तालाप के कुछ अंश मेरे कानों में पड़। बुआ कह रही थी कि देखो ज्योति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, माँ की आवाज़ थी, आप बेफिक्र रहिए, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। बुआ की यह बात मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ी जब वह बोली थी कि कितना भी कहो बराबर है, अपना खून अपना होता है और पराया। बुआ जी धीरे बोलिए प्लीज, मैंने अपनी बेटियों को आज तक यह महसूस नहीं होने दिया, नहीं चाहती। दोनों बहनों में बस मैं आगे और कुछ नहीं सुन पाई, सब कुछ शीशे की तरह साफ था। कौन होगी मेरी अपनी माँ, कैसी होगी, कहाँ होगी, मैं इस घर में कैसे आई, सवाल मुझे घेरते जा रहे थे। मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा, मुझे बात करनी ही थी। मैं रात भर सो नहीं पाई, अगले दिन बुआ जा रही थी और मैं फूट फूट कर रो रही थी। बुआ सोच रही थी यह मेरा उनके लिए प्यार है मगर यह मेरे भीतर का गुबार था। घर में और सभी के लिए यह दिन और दिनों की तरह सामान्य दिन था मगर मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। चलो ज्योति बेटा यह लो टिफिन रखो, अरे तुम नहाने भी नहीं गई अभी तक, तैयार हो जाओ, देखो तुम्हारी दीदी तो तैयार भी हो गई, माँ ने कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मैंने कहा। तुझे क्या हुआ, कल तक तो तू ठीक थी, दिखा कहकर दीदी ने माथा छुआ। हाँ माँ, ज्योति का माथा तो गर्म है, माँ दौड़ कर आई थी, अरे क्या हुआ, दिल चीख चीख कर कह रहा था, रात भर अंगारों पर लोटी हूँ, पर आप लोगों को क्या पता, मगर बस इतना ही बोलो, बोली हाँ कल तक तो सब कुछ ठीक था मगर आज नहीं अच्छा चल रहा। अंदर चल माँ परेशान थी, अच्छा
लगा माँ की परेशानी देखकर, चलो बीमारी में तो मेरे लिए कोई परेशान हुआ, मगर माँ ने उस परेशानी में भी दीदी का ख्याल नहीं छोड़ा। दीदी ने रुकने को कहा तो बोली, मैं हूँ, तू जा, अपना स्कूल मिस मत कर, मैं देख लूँगी। माँ ने डॉक्टर से बात करके मुझे दवा दी। माँ उस दिन मेरे सर पर हाथ फेरती, कभी बुखार नापती, मेरे आसपास ही बनी रही। दोपहर में माँ के चेहरे पर कुछ सुकून था, बोली, अब नॉर्मल है। मुझे बुरा लगा, मैं इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होना चाहती थी। एक और बदलाव मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी, मैं वो सब भूल गई रही थी जो माँ ने मेरे लिए नहीं किया, बल्कि मुझे वो सब याद आ रहा था जो माँ ने आज तक मेरे लिए किया। मैं वह अधिकार, वह प्यार माँ से चाहती रही जिसकी हकदार मैं थी ही नहीं, बल्कि यह तो मुझे बस मिल रहा था और मुझे उसके लिए कृतज्ञ था होना चाहिए। अब यह बात करनी बहुत जरूरी हो गई थी। मैंने कहा, थैंक यू माँ। थैंक यू किस लिए बेटा? उस सब के लिए जो आज तक आपने मेरे लिए किया। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? आपकी और बुआ की बातें मैंने सुन ली है। माँ, कैसी बातें? मैंने माँ के चेहरे का रंग बदलते साफ देखा था, वही जो बुआ कह रही थी, अपना अपना होता है और पराया पराया। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, अब चुपचाप पहले मेरी पूरी बात सुन ले। मैं कभी नहीं चाहती थी कि यह सच सामने आए, मगर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया, तो पहले मुझसे वादा करना होगा कि मैं जो कहने जा रही हूँ उसका जिक्र किसी के सामने नहीं होगा, और इससे तुम दोनों बहनों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मैंने जल्दी से कहा, प्रॉमिस, ऐसे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रखकर, कसम खा। माँ ने मेरा हाथ अपने सर पर रख दिया था। मैं बोली, आपकी कही हर बात मेरे दिल में रहेगी, बस आप कहिए तो। सुन निम्मी, तेरे पापा की छोटी बहन जिसकी फोटो दादा दादी जी के साथ लगी है। हाँ, मेरा दिल जो जोरों से धड़क उठा तो वह मेरी माँ है, मगर मुँह से कुछ कह ना पाई। माँ कह रही थी, तेरे दादा दादी ने उनकी शादी तो तय कर दी, पर अभी वह और पढ़ना चाहती थी, तब तक मैं इस घर में नहीं आई थी। निम्मी की शादी जहाँ हुई, उन लोगों का व्यवहार निम्मी के प्रति बहुत खराब था। आए दिन निम्मी से मारपीट करते, बार बार मायके भेज देते, हर बार कोई नई मांग, दादा दादी हर बार उनकी मांग पूरी करते, सामान उपहार कपड़े आदि देकर भेजते। सोचते शायद इस बार उनकी बेटी सुखी हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। कुछ दिन तक वो सब ठीक रहता, मगर फिर किसी दिन बदन पर निशान लिए वह मायके की चौखट पर खड़ी मिलती। इसी बीच में इस घर में ब्याह कर आ गई। इस बार जब निम्मी घर आई तो सिर्फ शरीर पर नील ही नहीं, अपने भीतर एक जिंदगी भी लेकर आई। निम्मी और मैं उस रात साथ सोए, और जो उसने मुझे बताया उसके बाद मैंने ठान लिया कि निम्मी को अब वापस नहीं भेजना है। निम्मी को मैंने अपना फैसला सुनाया बताया तो वह मुझसे लिपटकर बहुत रोई, बस यही कह जा रही थी, मुझे बस यही सुनना था। कई दिन तक कलह बहस और विवाद के बाद मेरी जीत हुई, तेरे पापा ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया। 4 महीने बाद निम्मी यानी तेरी बुआ ने दीप्ति को जन्म दिया। क्या मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था? मैं झटके से उठ बैठी, माँ के दोनों हाथ पकड़ कर बोली, माँ इसका मतलब। माँ बस बोले जा रही थी, दीप्ति 2 महीने की ही हुई कि निम्मी हमेशा के लिए छोड़ गई। शायद उसे एक आस थी कि उसका पति उसे देखने आ जाए, उसके लिए ना सही बच्ची के लिए आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। बिखरी तो पहले से ही हुई थी, अब वह बिल्कुल टूट गई थी। शायद उसे मालूम था कि वह बचेगी नहीं। उसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं दीप्ति को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाऊंगी, उसके साथ ऐसा नहीं होगा जैसा निम्मी के साथ हुआ, और बस मैं दीप्ति को गोद में लेते ही उसकी माँ बन गई। ईश्वर का शुक्र है कि यह बात उस दिन
तुमने सुनी? दीप्ति ने नहीं, फिर माँ ने कहा, तुझे अपना वादा याद है ना? मैं माँ को एक तब देखे जा रही थी, मेरी दृष्टि धुंधला गई, मुझे माँ का चेहरा कुहासे में ढके सूरज जैसा लगने लगा। मैंने आंखें ठीक से पोंछ ली। माँ ने फिर से घड़ी की तरफ देखा, बोली, दीप्ति आने वाली होगी, बोल, तुझे याद है ना कभी इस बात का जिक्र? हाँ माँ। मैंने माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया, मुझे सब याद है। मैं ध्यान से निम्मी बुआ की तस्वीर देख रही थी और उसमें मुझे दीदी की झलक भी मिल गई। तूफान थम चुका था और कुछ धूल जो मन मस्तिष्क में जमी थी बरसती आंखों ने धो डाली। रसोई से आती खुशबू बता रही थी कि माँ दीदी की पर ही पसंद का कुछ बना रही है। अब मेरे मन में ईर्ष्या नहीं, अपनी दीदी के प्रति प्रेम और माँ के लिए गर्व था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।